तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं डीपीएस वसुंधरा स्कूल में और अभी 12वीं के पेपर अब लास्ट चरण में चल रहे हैं। बहुत थोड़े से पेरेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का पेपर है, इसमें ज़्यादा बच्चे होते नहीं हैं। इकोनॉमिक्स का पेपर हालांकि मेजर सब्जेक्ट में आता है बट इसको बच्चे कम लेते हैं क्योंकि साइंस के बच्चे बहुत कम, अकाउंट्स के आज पेपर इकोनॉमिक्स का ही है ना। हाँ, तो आज हम बच्चों से पूछने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा हुआ है। यहाँ पर कुछ स्टाफ भी हैं, अपना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं। आप बच्चे को लेना है? हाँ, मतलब वो तो आपकी एससी लग रहा है, आप यंग हो, तो कैसा लग रहा है पेपर जो स्कूल में ही हो रहे हैं, सेंटर बाहर नहीं जा रहा है इस बार, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? मतलब ठीक है, थोड़ी सी फेमिलियरिटी है जहाँ पे एग्जाम देते हैं, थोड़ा अलग होता है। शुभ नाम क्या है? मेरा नाम समर्थ। समर्थ क्या कर रहे हो आजकल? मैं बीटेक कर रहा हूँ IIT रुड़की से। IIT रुड़की से, क्या बात है, हाथ मिलाओ। तो कब, कौन सा साल है आपका? मेरा फोर्थ ईयर है, अभी चल रहा है। अच्छा, आप तो निकलने वाले हो। मेरा 5 साल का है, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, तो जो बच्चे अभी IIT में जाना चाहते हैं उनको कुछ सलाह दोगे? लास्ट टाइम बच्चे आने वाले हैं, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली इकोनॉमिक्स नहीं लिया होगा उन लोगों ने, बट हाँ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा, रिजल्ट्स आ जाएगा। अगर कोचिंग ना करें हो सकता है सेल्फ स्टडी से? IIT में होता है बट मुश्किल हो जाएगा। कोचिंग हेल्प करती है? तो आपकी सिस्टर आर्ट साइड में है, तो बहुत अच्छा लगा यार आपसे मिलकर। हमारा चैनल है अनुराग देव क्लासेस, वहाँ पर आप देख लीजिएगा वीडियो। ऑल द बेस्ट। तो प्लेसमेंट तो अभी नहीं चल रहे होंगे, है ना? अभी तो आपका 1 साल बचा है, तो और भी यहाँ पर बच्चे आने वाले हैं, बस पेरेंट्स से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इंतजाम आते हैं। पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है, केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है। वहाँ पर एक पेरेंट खड़े हैं। सर, आप बच्चे को लेने आए? बच्चे को लेना है सर? अच्छा, पेरेंट नहीं है। तो पेपर लीक होने की सूचना तो उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है हमें, सही। अब CBSE मानती है नहीं मानती इसको देखेंगे, पर जैसे ही बच्चे निकलेंगे उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, आप इसी स्कूल के बच्चे हो? एलन हाउस। अच्छा, एलन हाउस के। तो आपका नाम क्या है? देव्या महेश्वरी। ईशान गुप्ता। आरुषि सुखीजा। आरुषि सुखीजा। आरची कपूर। मान्या। बच्चों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे पेपर इस बार स्कूल आपका तो सेंटर बाहर लग रहा है, तो आपका स्कूल में सेंटर नहीं था क्योंकि आपका नया स्कूल है अभी, तो जो बच्चे स्कूल के भी बच्चे होंगे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है? बराबर बात है, कोई फर्क नहीं है? सर, मेरे ख्याल से तो बराबर ही हो रहा है अभी तो, कोई इक्वल इक्वल। हाँ, मतलब नॉर्मल है, सेम। कोई DPS वालों की वो तो नहीं है कि हम DPS के हैं तो। अच्छा, एलन हाउस से है? एलन हाउस, सही बात है, नाम तो बड़ा है। अच्छा, पेपर कैसा था, इजी मीडियम टफ? सर, इजी था, आराम से हो रहा था। इजी था? इजी। हलवा? हलवा भी नहीं बट इजी था। अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छा होगा। NCERT या आउट ऑफ NCERT? सर, NCERT तो पढ़ी नहीं। संदीप। NCERT नहीं होती इसमें? संदीप गढ़। उसमें से ही था। आपका? उसमें से ही था, संदीप गढ़। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था? आउट ऑफ सिलेबस नहीं। कोई ऐसा सवाल जो लगे यार ये तो भाई बहुत खतरनाक सवाल आ गया, ये नहीं होगा हमसे? नो सर, एकदम इजी। हां, एकदम इजी। अच्छा, जो बच्चे भी 11th के हैं और 12th में आएंगे इकोनॉमिक्स ली, बहुत सारे बच्चे साइंस के भी इकोनॉमिक्स ले रहे हैं आजकल क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बढ़िया सब्जेक्ट माना जाता है, उनको क्या सलाह देना चाहोगे, किस तरह पढ़े क्या करें? सर, बस इकोनॉमिक्स पे अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तो सब आसानी हो जाएगा आपको पढ़ने। बस सर, आप अपनी इको लाइक कंट्री से रिलेटेड सोचो, इकोनॉमिक्स में क्या होगा क्या नहीं, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ये एक बेसिकली बहुत डीप सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। आप क्या कहती हैं? चैप्टर्स रीड करने चाहिए अच्छे से। संदीप गर्ग वाली बुक? हाँ, ये बहुत अच्छी बुक है क्या? मतलब यही यूज होती है कॉमनली इकोनॉमिक्स की, यही लाइक संदीप गर्ग होते हैं, TS Jain होती है, जैन गर्ग की होती है, TS Jain आई गेस। रट्टा नहीं मारना है कुछ भी, बस रिलेट करेंगे तो आ जाएगा। खाओ कसम। सही नहीं, सही नहीं, सीखूं भी नहीं। मतलब रट्टा मारती हो? नहीं, रट्टा नहीं मारती, बट हाँ ऐसे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए संदीप गर्ग वाली। आप में सारे आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हो या कॉमर्स के भी हो? कोई कॉमर्स। हम ह्यूमैनिटीज। अच्छा, ये दो ह्यूमैनिटीज की हैं, आप कॉमर्स, ये कॉमर्स। आगे क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है? सर, अभी तो ऐसा कुछ लाइक मेरा CA और या फिर MBA में डिपेंड नहीं है अभी, बट MBA या CA में। CA CFA ई कॉमर्स ई कॉमर्स करूँगी DU से। इंग्लिश ऑनर्स, ई कॉमर्स। अच्छा, जैसे NCERT की नहीं होती इकोनॉमिक्स की, तो आप चाहो? होती है,
जनरली स्कूल में यूज नहीं करते हैं, टीचर्स ही संदीप गढ़ करवाते हैं, बिकॉज इको इकोनॉमिक्स में लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छी चीज है, बेटर संदीप वो संदीप उसमें गर्ग में, दैट्स व्हाई स्कूल प्रेफर्स दिस वन रादर देन इको. इसकी लैंग्वेज इजी है. हां, अब आपका कौन-कौन से पेपर बचे हैं? अब खत्म. कॉमर्स. कैसा फील हो रहा है आज? बहुत अच्छा. पार्टी होगी आज? पार्टी तो अभी पता नहीं, पर अच्छा फील हो रहा है. आज रेस्ट होगा? आज रेस्ट होगा, बाहर नहीं जाएंगे कहीं घूमने खाने नहीं, आज रेस्ट करेंगे. अच्छा, आर्टिस्ट टीम वालों के पास क्या ऑप्शन होते हैं आगे सिविल सर्विस के अलावा? बहुत सारी चीजें होती है. मतलब जैसे कोई आर्टिस्ट टीम क्यों ले? जैसे पहले तो जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऑनर्स हो सकते हैं, बाकी का वो क्या कहते हैं एमए भी हो सकता है, एमबीए भी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज, लॉ सब कर सकते हैं. तो हमारा चैनल है अनुराग दे क्लासेस और एग्जाम जानकारी, आप ये वीडियो वहाँ देख सकते हैं. हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट. और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. यस बच्चों आइए प्लीज, आइए आइए आगे आ जी. डीपीएस के बच्चे हैं, यूनिफॉर्म से पता चल रहा है. तो आपसे पूछेंगे पेपर कैसा था? इजी, मीडियम, हार्ड? तो मीडियम था, easy to moderate था. पूरा पेपर नॉर्मल जैसे हो रहा था सोल या नहीं हो रहा था? ले लीजिए. पेपर इजीली हो रहा था? हाँ हो रहा था, दो तीन क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी. कब था पेपर? हाँ थोड़े से कुछ. ये बच्चे थे भी एलन हाउस के, कह रहे थे बहुत इजी पेपर आया, ऐसा नहीं था? सैंपल पेपर जैसे क्या था, हम लोगों ने जैसे तैयारी करी थी उससे तो नीचे ही आया, सिंपल आया. तैयारी ज्यादा थी और तैयारी हम लोगों ने सोचा था मेजॉरिटी इजी आया, थोड़े दो तीन क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे बस. तो जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे उनको क्या सलाह देना चाहोगे? 11th के बच्चों को यही सलाह देना चाहेंगे कि स्टार्टिंग से शुरू करना है, मतलब कि न्यूमेरिकल साथ में करना है. ये तो पहला पेपर था तो ठीक था, ये आसान पेपर था. आसान पेपर था. आज तो आपके पेपर खत्म हो गए ना? नहीं अभी मैं ह्यूमैनिटीज का हूँ ना, तो एक्स्ट्रा. कौन से बचे? पॉलिटिकल, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी नहीं हिस्ट्री. अच्छा, हमारा चैनल है अनुराग दे क्लासेस, वहाँ पर हम पॉलिटिकल का मेंटी क्विज भी लेंगे 51 MCQ का, वो आप देख सकते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का एग्जाम कैसे हुआ है. बच्चों बताओगे पेपर कैसा था? पेपर अच्छा था. इजी, मीडियम, हार्ड? मीडियम कह सकते हैं. मीडियम मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ पेपर हो? नहीं, ऐसे बहुत टफ नहीं था. पेपर एनसीईआरटी से था, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जो बुक आती है संदीप गढ़ की, या थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था? नहीं, सब उसी से था जो बुक आती है. ऑनलाइन पढ़ाई काम करती है, चल जाएगा परमानेंट ऐसे? नहीं नहीं चलेगा, जैसे कहने पेंडेमिक चलता रहेगा तो ऑनलाइन काम कर देगी या स्कूल खुलने चाहिए? स्कूल खुलने चाहिए. स्कूल खुलने चाहिए. तो बच्ची कह रही है स्कूल खुलने चाहिए, स्कूल के बिना काम नहीं चलेगा. आप टीचर से सर? अच्छा, और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं. बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं पेरेंट्स के साथ. बच्चे नाम बताइए अपना. साइशा. साइश वाह. साइशा. साइशा. पेपर कैसा था? इजी, मीडियम, मॉडरेट? मीडियम. टफ नहीं था? टफ नहीं था, अगर एनसीईआरटी करिए तो हो सकता. आपका नाम क्या बच्चे? अवनी. अवनी और साइशा हमारे साथ हैं और दोनों डीपीएस की हो. आप आर्टिस्ट टीम से हो या कॉमर्स से हो? मैं कॉमर्स से हूँ, आर्ट्स. अच्छा ये बताओ, जैसे जो 11th के बच्चे भी आएंगे 12th में नेक्स्ट ईयर, आपके जूनियर्स, उनको क्या सलाह दोगी तैयारी कैसे करें इकोनॉमिक्स के लिए? इको के लिए एनसीईआरटी पहले तो इंडियन इको के लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स तो हम सॉल्व करके हो जाता है, और सैम्पल पेपर्स करना इंपॉर्टेंट है. सैम्पल पेपर करना जरूरी है. आप क्या कहेंगे? पेपर इजी था, आपको निटी ग्रिटीज बेसिकली पॉलिसीज के ईयर्स एंड ऑल याद होने चाहिए, तो पेपर आसानी से हो जाएगा. और एनसीईआरटी पढ़ी थी या कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ी थी? नहीं, एनसीईआरटी और संदीप गढ़. सब बच्चे संदीप गढ़ का नाम ले रहे हैं, कोई बहुत फेमस बुक है क्या? क्योंकि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है. इट्स अ हेल्प बुक काइंड ऑफ थिंग, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए इट्स इंपॉर्टेंट. तो हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट. हमारा चैनल है अनुराग दे क्लासेस, वहां पर आप वीडियो देख सकते हैं. पॉलिटिकल साइंस भी आपका? यस. तो मैं वैसे तो फिजिक्स पढ़ाता हूं, लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का मेंटी क्विज करने वाला हूं. मेंटी क्विज होता है एमसीक्यू टाइप का, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 75 एमसीक्यू करवाएंगे आप अपने एक्सपर्टीज, तो आप देख सकते हैं उसको. थैंक यू वेरी मच. और बच्चे हमारे साथ, उनसे बात करेंगे. बच्चे हेलो. बच्चों हाउ वाज द क्वेश्चन पेपर? आपका हो गया पेपर कैसा था? कैमरे से क्यों भाग रहे? ब्लू कोट. हाँ, पेपर कैसा था? शर्माओ नहीं ऐसे, कल इंटरव्यू फेस करना आपको, कल बाहर जाओगे तो कैसे करोगे? सर इजी था. इजी था, दिखाओ. मुझे तो वैसे इतनी नॉलेज नहीं है. पेपर बुक से आया बाहर से आया? दोनों से सर, मतलब इजी था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं, पड़ा हुआ था सारा. अगर जब आप एग्जाम हॉल में गए पेपर मिला तो कैसा फील हुआ? टफ, इजी, मीडियम, क्या था? मीडियम. रिएक्शन क्या था आपका? फेस दिखाओ अपना एक बार. सही था. शर्मा क्यों रहे थे आप? नहीं नहीं इजी था, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं था. और स्कूल से कोई हेल्प वगैरह कुछ? नहीं 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 स्ट्रिक्ट व्यवस्था सही है, पानी वानी की, सैनिटाइजर की, सारी चीज़ें सही हैं. तो ये बच्चे हैं और ये डीपीएस स्कूल है. यहाँ पर हमने बच्चों से बात करी, पेपर बहुत इजी आया. केमिस्ट्री का पेपर ही बहुत इजी था. केमिस्ट्री के पेपर के लीक होने की बात करी जा रही है. अब सीबीएसई क्या कहती है इस बारे में देखेंगे.
और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।